तो हेलो गाइस, सिंपल इनोवेशन वाला चैनल के अंदर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम शीशा क्लीन करने वाली एक मशीन बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो इसको बनाने के लिए आपको इस तरीके की एक डीसी मोटर चाहिए और एक व्हील चाहिए इस तरीके का, और एक ये पाइप ले सकते हैं, आप पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं। और गाइस इसके अंदर हम इस बैटरी का यूज लेंगे। ये पहले लाइटर था, तो इसको हमने तोड़ मरोड़ कर बना लिया है एक बैटरी। तो ये देखिए, यहाँ से हम कनेक्शन कर देंगे बहुत ही इजी तरीके से। और ये है हमारा पाइप, और इसके अंदर हम इसको फिट करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करेंगे, फिट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन के वायर है यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे, ताकि ये इजी तरीके से यहाँ से कनेक्शन हो जाए। तो ये देखिए गाइस, हमने अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लिया है, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फिट हो रहा है, ये देखिए। और इसके अंदर हम फटाफट से कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे और कनेक्शन कर देंगे। तो चलो इसको फटाफट से कनेक्शन कर देते हैं, फिर आगे काम शुरू करते हैं। तो ये लो गाइस, हमने कनेक्शन काफ़ी इजी तरीके से कर दिए हैं, ये देखिए। और कनेक्शन करना इसका काफ़ी इजी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर फेविक्विक भी डाल सकते हैं। तो चलो इसको फटाफट से चिपका देते हैं। तो ये लो गाइस, अब चिपक कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब क्या करेंगे हम, ये हमारा व्हील है, तो व्हील के आगे हमें कुछ फोम टाइप का लगाना है। तो आपको इस तरीके का कोई भी एक फोम लेना है, और इसकी इस टायर की जितनी ही कटिंग कर लेनी है, और या फिर आप इसके अंदर मोटा कपड़ा भी लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलो पहले हम इसकी फटाफट से मार्किंग कर लेते हैं, और फिर इसकी करेंगे कटिंग। अगर आप इसके अंदर मोटा कपड़ा लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है शीशे को साफ़ करने के लिए। तो ये लो, हमने कटिंग कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इसको आगे से चिपका देंगे यहाँ से। तो इसको चलो फेविक्विक की सहायता से फटाफट से चिपका देते हैं। और गाइस, ये डीसी मोटर जो गियर वाली है, तो ये आसानी से रुकती नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। डायरेक्ट मोटर आपकी थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसलिए हमने गियर वाली मोटर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, हमने फटाफट से इसको चिपका दिया है, और ये अब बिल्कुल चिपक कर तैयार भी हो चुका है। तो चलो अब इसको फिट करते हैं। तो फिट करने के लिए नॉर्मल है, आप इस तरीके से इसको लगाना है, और ये इजी तरीके से फिट हो जाएगा। तो चलो अब इसको चलाकर देखते हैं। तो गाइस यार, ये देखिए, शीशा क्लीन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको इस बटन को आगे की तरफ रखना है, और ये देखिए अच्छी तरीके से ये काम करने लगा है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आपको इसके आगे थोड़ा मोटा कपड़ा लगाना है, या फिर क्लीनर भी लगा सकते हैं इसके। और ये देखिए, अच्छी तरीके से इस तरीके से ये वर्क करेगा, और ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि हमने गियर वाली मोटर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, और इसके अंदर आप आसानी से दबाव भी डाल सकते हैं। तो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।